हाय गाइज, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ अधीर और आप देख रहे हो टेक अधीर नतन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो शायद आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, जो ये क्रोम ब्राउज़र का दो सेटिंग के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, जो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम के हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा देर करते ना हुए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह और भी वीडियो आपको देखने के लिए मौका मिले, मोबाइल टिप्स एप्स टिप्स। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के बारे में कॉमेंट भी करके जाना, ताकि इसी तरह और भी वीडियो बनाने के लिए मैं यार रहूँ। तो चलिए, मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो। तो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे जो तीन बिंदी दिखाई दे रही, तीन बिंदी में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जो डेस्कटॉप साइड का नीचे सेटिंग का, तो उसमें टैप करोगे। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का, तो आपको पासवर्ड में क्लिक करना है। जैसे पासवर्ड में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, जो सेव पासवर्ड वाला और ऑटो साइन इन वाला, जो ये मेरा यहाँ पे ऑफ है। तो आप अगर चेक करोगे तो आपका मोबाइल में ये ऑटोमेटिकली ऑन रहता है सारे मोबाइल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ रहेगा तो क्या होने वाला है और ऑन रहेगा तो क्या होने वाला है। जैसे ऑन रखोगे तो ऑन रखने के बाद गूगल में या फिर क्रोम ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट आप जैसे ओपन करोगे, जैसे मान लो एज रिस्ट्रिक्टेड आपने ओपन किया, तो आप जो छोटा वाला कोई जो एज रिस्ट्रिक्टेड, तो वो उस वेबसाइट को आपको ईमेल एड्रेस ज़रूरी है जो मांगेगा, तो उस टाइम में ये ऑटो साइन इन हो जाएगा। और अगर ये ऑफ रहेगा तो ऑफ जैसे रहेगा, तो कोई भी अगर वेबसाइट आप ओपन करोगे जिसमें आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड चाहिए तो आपको पूछेगा, तो अगर आप चाहो तो उसमें लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। आप अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप मत लगाइए। तो इसीलिए आपको ये ऑफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ रहेगा तो कभी भी ऐसे आपका परमिशन के बगैर वो वेबसाइट ओपन नहीं होगा। तो ये मेरा फर्स्ट था, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो चलिए, ये तो चला गया, तो आप मान लो दूसरा, तो दूसरा के लिए आपको जैसे मान लो प्ले स्टोर आपने ओपन किया, ठीक है। तो प्ले स्टोर ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी एक एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन तो है, तो आपको या फिर हमको बहुत सारे ज़रूरी पड़ता है जो एप्लीकेशन का इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपका इंटरनल का जो स्टोरेज है उसमें वो बढ़ जाता है या फिर फुल हो जाता है, तो उस टाइम में कई कई बार जो कम रैम वाला मोबाइल होता है तो उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा बैकअप नहीं लेता। तो इसके लिए उस टाइम में आप अगर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आप जैसे इंस्टॉल करने जाओगे तो उस टाइम में दिखाएगा तो आपका स्टोरेज फुल है, आप कोई दूसरा एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ये इंस्टॉल कर पाओगे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो आपको सिंपली क्या करना, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना। जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो आपको जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना था उस एप्लीकेशन को, या जो सर्च वर्जन है वहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं कर देता हूँ फेसबुक लिख के .com, मतलब एप्लीकेशन का नाम डाल के उसके साइड में .com डाल के फिर आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आने देते थोड़ा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, ताकि लाइक देखने के बाद मन में थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, जैसे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, ठीक है। तो लॉगिन नहीं करना, आपको फिर से राइट कॉर्नर में जो तीन बिंदी दिखाई दे रही है उसमें टैप करना। जैसे टैप करोगे, टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऐड टू होम स्क्रीन आ रहा है, तो उसमें क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड आ रहा है, तो ऐड में क्लिक करना, फिर यहाँ पे ऐड में दे देना। ये हो जाने के बाद आपको मिनिमाइज़ कर देना है। जैसे ही करोगे, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा फेसबुक का एप्लीकेशन था यहाँ पे आ चुका है, तो आप यहाँ पे ओपन उसको आराम से कर सकते हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, आपको ये वीडियो बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लीजिएगा, वीडियो के बारे में कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।